दोस्तों GoPro वीडियो को आप सस्ते लैपटॉप पे भी एडिट कर सकते हो। तो आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि क्या करने पर आप सस्ते से सस्ते लैपटॉप में GoPro का 4K वीडियो भी आप एडिट कर सकते हो। सस्ते मतलब 10,000 15,000 या 20-25,000 के लैपटॉप में भी आप एडिट कर सकते हो। अच्छा। उसके लिए आपको कोई हाई एंड लैपटॉप लेना नहीं पड़ेगा या फिर कॉस्टली लैपटॉप लेना नहीं पड़ेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखो, अगर आपके पास 20-25,000 का कोई लैपटॉप है या फिर कोई पीसी है तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आप चाहे तो उस पीसी में आप 4K वीडियो भी एडिट कर सकते हो। उसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिस पॉइंट्स को आपको सुनना बहुत जरूरी है। तो पहला पॉइंट यह आता है कि हम हमारे कंप्यूटर में कैसे चेक करें कि प्रीमियर प्रो उसके लिए एलिजिबल है कि नहीं। तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, एक वेबसाइट है उस पे जाना पड़ेगा, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको चेक कर लेना है प्रीमियर प्रो के लिए आपके सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे सब कुछ दिख रहा होगा, तो ऐसे आप देख सकते हो कि प्रीमियर प्रो के लिए क्या कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन की बात जब आई तो आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यार अभी तो बता रहा था कि सब कुछ चलेगा, तो अभी कंफ्यूजन कहां आया। देखो, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं, मैं आपको इसका सलूशन बताऊंगा। अगर आपका कंप्यूटर में ये सारे कंफ्यूजन नहीं है तो भी आप प्रीमियर प्रो चला सकते हो। मतलब आपको समझा देता हूँ शॉर्टकट में कि आपका कंप्यूटर में अगर 4GB रैम है और आपका सिस्टम में मदरबोर्ड अच्छा है, जैसे कि i3 प्रोसेसर है या फिर आपका i5 प्रोसेसर है या फिर i7, जो भी कम वाला प्रोसेसर है, फिर भी आप चला सकते हो प्रीमियर प्रो। तो मैं आगे जाके बताऊंगा कि कैसे आप चला सकते हो। तो अभी हम जाएंगे सेकंड पॉइंट की तरफ। देखो, प्रीमियर प्रो सॉफ्टवेयर या फिर कोई सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए आपके सिस्टम में आपका सिस्टम का रिक्वायरमेंट के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो अब आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि यार सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या है, बताता हूँ। अभी आपने गूगल में सर्च कर लिए कि आपका सिस्टम का रिक्वायरमेंट ये नहीं है, अगर ये नहीं है तो भी आप चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अभी आप चाहे तो प्रीमियर प्रो को चला सकते हो अपने कंप्यूटर में, चाहे वो जितना भी पुराना क्यों ना हो। तो अब बात आती है कि हम कैसे चलाएं। तो उसके लिए हम चले जाएंगे 3 नंबर पॉइंट पे, जो कि हमारा है प्रॉक्सी। तो आप लोग अभी पूरा कंफ्यूज हो गए होंगे क्योंकि जो मोबाइल में एडिट करता होगा आदमी, उसको प्रॉक्सी के बारे में क्या समझ आएगा। अगर आप समझना चाहते हो कि प्रॉक्सी क्या है तो आप लोगों को मुझे 1 मिनट देना होगा। देखो, शॉर्टकट में मैं बता दे रहा हूं कि प्रॉक्सी का मतलब ये है कि आपके पास अगर बहुत बड़ा रेजोल्यूशन का फाइल है, ठीक है, जैसे कि आपके पास 4K का फाइल है, ठीक है, तो उस 4K फाइल को वो छोटा करके आपका प्रीमियर प्रो में मतलब एडिटिंग टाइमलाइन पे स्मूथली चलाने का औकात रखने वाला चीज को प्रॉक्सी बोलते हैं। नहीं समझे, समझाता हूं। देखो, अगर आपके पास 2-3 फाइल है, ठीक है, वीडियो क्लिप से, राइट, तो उसका अगर साइज 2GB हो रहा है, ठीक है, तो उस 2GB फाइल का बिना क्वालिटी लूज किए तो वो क्या करेगा, प्रॉक्सी अगर जब आप क्रिएट करोगे उस फाइल को क्या करेगा, वो कंप्रेस कर देगा और कंप्रेस करने के बाद वो टाइमलाइन पे स्मूथली चलाएगा। अगर आपका टाइमलाइन स्मूथली नहीं चल रहा होगा, मतलब अटक अटक के चल रहा होगा, तो प्रॉक्सी लगाने के बाद आपका जो टाइमलाइन है वो बहुत स्मूथ चलने लगेगा। तो आपका 4K वीडियो भी प्रॉक्सी के बाद स्मूथली चलने लगता है। तो इस चीज को बेहतरीन तरीके से समझने के लिए हमको और एक नया वीडियो बनाना पड़ेगा प्रॉक्सी के बारे में। तो मैं आप लोगों से ये चाहूंगा कि आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो जिन लोगों को प्रॉक्सी के रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए। अगर आप लोग सोच रहे हो कि हमारे पास मोबाइल है तो हम क्यों इन्वेस्ट करें लैपटॉप और पीसी में, तो आपके लिए सोल्यूशन है। आप चाहे तो GoPro का 4K वीडियो या फिर 1080 वीडियो को आप मोबाइल पे भी एडिट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको ये वीडियो जरूर देखना है।